फर्जी मुकदमे के विरोध में पत्रकारों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। रामपुरा जलोन। रामपुरा थाने में पत्रकारों के विरुद्ध लिखे गए फर्जी मुकदमे के विरोध में आज माधोगढ़ तहसील क्षेत्र के पत्रकारों ने एकत्रित होकर प्रदर्शन किया और मुकदमा वापस करने की मांग की। आज मंगलवार को माधोगढ़ तहसील परिसर में विभिन्न समाचार पत्रों एवं न्यूज एजेंसियों के पत्रकारों ने एकत्रित होकर नारेबाजी करते हुए रामपुरा प्रभारी चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अमित कुमार सिंह द्वारा पत्रकार राकेश कुमार स्वतंत्र भारत प्रदीप बाथम दैनिक आज सौरभ कुमार दैनिक आज का कानपुर के विरुद्ध रामपुरा थाने में सजीतन लिखे गए फर्जी मुकदमे को निरस्त करने एवं झूठा अभियोग दर्ज कराने वाले चिकित्सा अधीक्षक तथा अपने कर्तव्य के प्रति उदासीनता रहने वाले चिकित्सकीय स्टाफ के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने की मांग संबंधित प्रार्थना पत्र उप जिलाधिकारी माधवगढ़ सालिग्राम तथा क्षेत्र अधिकारी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव को सौंपा। जलोन से जिला संवाददाता कृष्ण कुमार कुशवाहा की स्पेशल रिपोर्ट। वहाँ पीड़िता महिलाओं से उनके परिजनों से इनकी भेंट हुई तो उन्होंने बताया कि हमारे साथ में जो सही ट्रीटमेंट जो होना चाहिए और प्रसूता महिलाओं को जो सुविधाएं मिलना चाहिए वो सुविधाएं नहीं मिल रही, उनका वीडियो उन्होंने बनाया। इस संबंध में जब उन्होंने चिकित्साधिकारी से बात की तो चिकित्साधिकारी ने इनसे कहा कि ऐसा है, इस तरह की आप कोई खबर प्रकाशित नहीं करेंगे। लेकिन और उन्होंने किया क्या कि तत्काल जाकर के एक प्रार्थना पत्र इन हमारे पत्रकार साथियों के खिलाफ दे दिया, जिसकी FIR थाना अध्यक्ष रामपुरा संजय मिश्रा जी ने दर्ज भी कर ली, जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि पत्रकारों के विरुद्ध किसी भी प्रार्थना पत्र पर FIR सीधे दर्ज नहीं हो सकती है, आपको उसकी पहले जांच करना होगी। अगर कार्रवाई में सही ढंग से नहीं होती है तो इस मामले को आगे बढ़ाया जाएगा और जिले के पत्रकार भी इसमें सहयोग करेंगे और सभी समाज सेवी भी हैं और अधिवक्ता भी हैं, वो सब आपके साथ रहेंगे और इस आंदोलन को गति दी जाएगी। जिला रामपुरा थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है, उसमें सभी लोगों ने आज ज्ञापन दिया, आगे लड़ाई हम लोग कैसे लड़ेंगे? SDM साहब को जो ज्ञापन दिया है इस पर क्या आगे कार्रवाई कर रही है रामपुरा पुलिस? अगर मुकदमा शीघ्र खत्म न किया गया तो आगे फिर कप्तान साहब से मिलके जिलाधिकारी से मिलके अपनी बात रखेंगे और मुकदमा खत्म करेंगे।